नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, फ़ोन के स्लो चार्ज होने की प्रॉब्लम जो है कई यूजर्स के साथ आती है। वहीं कई बार फ़ोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन वो जो है तेज़ी से चार्ज नहीं होता है। ऐसे में इस प्रॉब्लम को आप अपने फ़ोन को सिर्फ एक सेटिंग में चेंज करके इसको दूर कर सकते हैं। इस सेटिंग को चेंज करने से चार्जिंग में लगने वाला टाइम जो है आपका आधा हो जाएगा, यानी कि 100% का 50% हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जाना आपको अपने सेटिंग के अंदर। ठीक है दोस्तों, सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको जाना आपकी अबाउट फ़ोन के अंदर। ये देखिए दोस्तों, और ये जो है ये मतलब सेटिंग अलग अलग फ़ोन में अलग अलग हो सकती है, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ये मेरा रेडमी का फ़ोन है, रेडमी नोट 4। इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे MIUI वर्जन, इसके ऊपर आपको 7 बार टैप करना है। देखिए दोस्तों, ये यू आर नाउ ए डेवलपर। तो दोस्तों, 7 बार इसके ऊपर टैप करने के बाद आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसे नीचे जाना है एडिशनल सेटिंग में। ये देखिए, एडिशनल सेटिंग में आपको जाना है। ठीक है, एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये अलग अलग फ़ोन में अलग अलग जगह आपको मिलेगा। दोस्तों, सेटिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जाना है। ये देखिए, बहुत नीचे जाना है आपको। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए सेलेक्ट USB कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आपको टैप करना है। और यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको चार्जिंग वाला सेलेक्ट करना है ये। और आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक आ जाना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बैक आने के बाद आपको वापस क्या करना है, चेक करने के लिए वापस एडिशनल सेटिंग के अंदर जाना है और वापस इसके अंदर डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना है, वो चेक करने के लिए कि चार्जिंग वाला हो गया है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों, चलिए जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये रहा, ये देखिए सेलेक्ट USB कॉन्फ़िगरेशन, ये चार्जिंग वाला आपको बता रहा है। ये देखिए चार्जिंग, यानी कि अपना हो चुका है। दोस्तों, USB कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये MTP सेलेक्ट हुआ रहता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें फ़ोन जो है फास्ट चार्जिंग तो दिखाता है लेकिन फास्ट चार्जिंग होता नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा फ़ोन चार्जिंग थोड़ा स्लो होता रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, चार्जिंग सेलेक्ट करना है, जिससे कि हमारा फ़ोन जो है फास्ट चार्जिंग होएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक जो है आपके लिए यूजफुल साबित होगी और आपके जो है फ़ोन को अच्छा, बेहतर और अच्छा सपोर्ट करेगी चार्जिंग के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।